बसमीम आज का हमारा टॉपिक है जी ब्रेन दिमाग ब्रेन का क्या रोल है ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं तो जी स्टार्ट करते हैं ब्रेन इज़ अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम ब्रेन जो है सेंट्रल ऑर्गन नर्वस सिस्टम का ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन द स्कल बोन ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है यानी ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है वो स्कल बोन करती है स्कल बोन के अंदर आपकी आपका ब्रेन एग्जिस्ट करता है ब्रेन कंट्रोल एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑफ बॉडी ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी ब्रेन को आगे से हमने दो एक्टिविटीज़ में किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल में क्या आता है कंट्रोल में आता है जी फीलिंग्स थॉट्स मूवमेंट वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेट में आता है ब्रेन सेंस थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स अब जी इसकी एग्जांपल में यही कोड करूंगी कि अगर गर्म पानी है और हम हाथ पास लेके गए हैं और हाथ को एकदम हम वापस ले आए हैं तो वो वापस हम ब्रेन रिप्लाइज थ्रू मोटर न्यूरॉन्स और मोटर इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन ने मैसेज भेजा है कि अपना हाथ पीछे कर लो और ब्रेन तक मैसेज गया है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू द नेक्स्ट वन इज ब्रेन इज मेड अप ऑफ ब्रेन का वेट थ्री पाउंडस होता है इन द एवरेज ऑफ अ डर्ल द ब्रेन इज अबाउट सिक्सटी परसेंट फैट ब्रेन में साठ परसेंट फैट होता है द अदर फिफ्टी परसेंट इज कंसिट ऑफ अ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉल्ट यानी साठ परसेंट जो है वो फ़ैट पे है और जो पचास परसेंट है वो कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट सॉल्टस एंड प्रोटीन पे इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड न्यूरो एंड नर्वस इंक्लूडिंग न्यूरो एंड गिलियल सेल वॉट इज ग्रे एंड वाइट मैटर ब्रेन के अंदर ग्रे और जो वाइट मैटर होता है वो क्या होता है उसका क्या रोल होता है उसको हम देखेंगे ग्रे एंड वाइट मैटर्स आर टू डिफरेंट रीजनस ऑफ सेंट्रल न्यूरोन सिस्टम अच्छा जी ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो डार्कर आउट पोशन होता है आउटर पोशन और उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और जो ब्रेन में वाइट मैटर होता है वो लाइटर होता है इनर सेक्शन में होता है और उसके अंदर एग्जॉन्स होते हैं द नेक्स्ट वन इज ब्रेन ब्रेन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन forebrain is the biggest part of the brain and forebrain is divided into the cerebrum hypothalamus and thalamus midbrain is tectum

फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन बॉडी टेम्परेचर इमोशंस हंगर एंड स्लीप मिड ब्रेन क्या होता है स्मॉलेस्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हेड हाइंड ब्रेन द थ्री रीजन ऑफ द ब्रेन कोऑर्डिनेट ऑल प्रोसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल मिड ब्रेन में क्या है जी ये स्मॉलेस्ट है और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये क्या करता है कंट्रोल करता है मूवमेंट बॉडी की और हेड की हाइंड ब्रेन में क्या है देर आर थ्री रीजन्स ऑल प्रोसेस नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग है हार्ट बीट है स्लीप है वीकफुलनेस है एंड मोटर लर्निंग है ये किसमें इंक्लूड हो रहे हैं ये इंक्लूड हो रहे हैं हाइंड ब्रेन में इनको हाइंड ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन द थ्री रीजन्स ऑफ ब्रेन कोऑर्डिनेट ऑल प्रोसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इसके अंदर हम हमारी बॉडी का या इंसान का सर्वाइवल डिपेंड करता है इन शॉर्ट वर्ड ये सर्वाइवल को कंट्रोल करता है